बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारी लाइफ में कि आज मेदांता तो का पहला स्टेप है आज यूपी में, क्योंकि मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ और ये 30 साल पहले वचन लिया था कि यूपी में भी वही सर्विसेज पहुँचेंगी जो दुनिया में सबसे बढ़िया अवेलेबल है, वो यूपी के निवासियों के लिए भी होगी। तो अब सब मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर साहब की इनकरेजमेंट से ये आज क्लिनिक खुल गई है और आने वाले 8 महीने में हमारा जो 1000 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है शहीद पथ पर, वो पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके अंदर सारी जो दुनिया में ट्रीटमेंट अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बीमारी की, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, कैंसर की ट्रीटमेंट, न्यूरोस की ट्रीटमेंट, वो सब उपलब्ध होंगी, जो सारे आधुनिक जो साइंस में अवेलेबल है वो अवेलेबल होगी। और उसका जो कॉस्ट भी रखा जाएगा वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे रखा जाएगा कि यूपी निवासियों को बाहर स्टेट से बाहर ना जाना पड़े, ये हमारा लक्ष्य है और इसकी उपलब्धि आज हुई है। तो मैं आभारी हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का, मिनिस्टर साहब का, मिनिस्टर साहब के, इन्होंने आके इसको ब्लेसिंग दिया है कि हम अपना कार्यक्रम पूरा कर सकें और पूरी सॉर्ट ऑफ सिंसियरिटी से पूरा करें। यहाँ पर मेदांता का एक जो दिल्ली के अंदर डॉक्टर त्रेहान साहब के दिशा निर्देश में चल रहा है अस्पताल, वो विश्व में भी जाना हुआ अस्पताल है, डॉक्टर साहब स्वयं हैं, उसका पहला चैप्टर उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ है। अभी एक तरह से कहा जाएगा तो ओपीडी के लेवल का है वो, 6-8 महीने में 1000 बेड का अस्पताल भी खुलेगा। ये एक टर्शरी लेवल का है जहाँ पे जो गंभीर बीमारियाँ होती हैं उसका उपचार हो सके, और इसके लिए क्योंकि योगी जी की जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है कि गरीबों को भी उपचार मिलना चाहिए इन अस्पतालों में, उसके लिए हम लोग ने अभी टेंडर भी कॉल किया है RSBY का, जिसमें इंश्योरेंस का स्कीम है। 7.5 करोड़ लोग उस इंश्योरेंस स्कीम का फ़ायदा यहाँ पे उठाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। तो जिस इनके जिस जो बड़े अस्पताल हैं गंभीर रोगियों को जो इलाज करते हैं टर्शरी केयर में, जैसे मेदांता है, उनको भी हम संबंध करेंगे जिससे वो उस इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से वहाँ पे गरीबों को भी वो एक तरह से मुफ्त इलाज हो सके। तो ये एक अच्छी पहल है, हम लोग भी चाहते हैं और योगी जी की सरकार की भी पहल है कि आने वाले समय में जो टर्शरी केयर है जहाँ पे गंभीर क्रिटिकल बीमारियाँ होते हैं वहाँ पे PPP मॉडल या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अस्पताल आए, खाली लखनऊ में नहीं आए। अभी बात हुई है हमारी डॉक्टर त्रेहान साहब से, तो उन्होंने बताया कि गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी भी सोचा जा रहा है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूर्वांचल में भी मेदांता के वहाँ पे अस्पताल खुलेंगे जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज हो सके। अभी आप लोग एम्स खोलने की बात कर रहे थे, अब मेदांता पर आकर क्या सरकार जो है स्वास्थ्य सुविधाएं अपने दम पर उपलब्ध कराने में नाकाम हो रही है? देखिए, ये जो प्रश्न है आपका, थोड़ा सा ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सरकार को भी देना है उपचार का, और उपचार के लिए प्राइवेट को भी आना है, और साथ में सरकार और प्राइवेट दोनों मिल के आए तो भी उसके लिए जगह है। तो ये ऐसा है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो केक है बहुत बड़ा है और उसके अंदर सभी आके समा सकते हैं या सभी खा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की जनसंख्या है, 11 करोड़ आज सरकारी अस्पताल में ही आते हैं, तो हमें सुविधा पर पहुंचानी है और उस सुविधा के अंदर सरकार को ये देखना है कि जो गरीब है वो आखिरी पायदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी उपचार वही मिले जो अमीर को मिलता है, वो सुविधा हम लोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन है? सलमान निजामी, कांग्रेस के एक नेता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के उन्होंने आज कमेंट किया, काफी सारे मीडिया ने कमेंट किए और प्रधानमंत्री से पूछा कि अपने पिता का नाम बताइए, अपनी जन्मदाता का नाम बताइए, राहुल गांधी के बारे में सबको बताएं, किस तरीके से देखते हैं गुजरात? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है
कि कांग्रेस के नेता, चाहे वो मनीष शंकर अय्यर हो, पूर्व में हमने देखा गुजरात के चुनाव में सोनिया गांधी जी ने भी जिस प्रकार के मौत का सौदागर का शब्द इस्तेमाल किया, उसके बाद 2012 में उनकी बेटी प्रियंका जी ने भी उस प्रकार के नीच शब्द का इस्तेमाल किया, अब क्या मनीष शंकर अय्यर जी ने भी किया है, और साथ ही साथ अब आपने बताया सलमान को इजामी है, उन्होंने भी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये शोभा नहीं देता कांग्रेस को। मगर कांग्रेस शायद हार के कारण, और एक के बाद इतनी हारें हो चुकी हैं कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं, मुद्दा विहीन हो चुकी है, और इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो वोटिंग हो रही है वो पहले चरण की वोटिंग देखकर ये और कांग्रेसी बुखला गए हैं, तो कांग्रेस के जितने भी जो कहते हैं ना जो प्यादे हैं वो भी उतर आए हैं, जो उनका उनके जो वजीर या उनके जो और भी नेता हैं वो जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके प्यादे भी सड़क पे उतर के इस तरह की बातें बोल रहे हैं। मगर मैं इतना ही कहूँगा कि वो जितना भी कोशिश कर लें, गुजरात की जनता उसका जवाब दे रही है। सर, केजीएमयू में 3 गुना जांच होती है, उनके 3 गुना रेट बढ़ गए हैं। सर, केजीएमयू में जांचों के जो रेट हैं वो 3 गुने बढ़ गए हैं। देखिए, ये खबर आई है, उसकी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, और जहां तक की है उसको फिर से हम बता रहे हैं, ये सरकार प्रतिबद्ध है गरीबों के लिए, उन लोगों के इलाज के लिए। अभी आपने देखा होगा यही मेडिकल कॉलेज में किसानों के लिए हमने 2.5 लाख का एक स्कीम लेकर आए हैं जिससे किसानों को मिल सके, उसी प्रकार से इंश्योरेंस स्कीम भी लेकर आ रहे हैं जिससे 7.5 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है उनको भी उपचार बड़ी जगह भी प्राइवेट में भी जैसे मेदांता है वहाँ पर भी उनको इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड हो जाए, कहीं कोई दाम बढ़े हैं या कुछ है तो उस पर कमिटी बैठ के उसको फिर उसका निस्तारण कर ली। Thank you.